नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फ्री ऑनलाइन क्लासेस बाय गुड़िया केसी के चैनल में गुड़िया केसी बाय फिर से तहे दिल से आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूँ, आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम जो पढ़ रहे थे मैथ की क्लास में, ठीक है, हमारा नियरेस्ट 100 तक के क्वेश्चन सारे के सारे कम्प्लीट हो गए थे, राइट। यानी हमारा जो चल रहा था वो मैथ की क्लास था। हम पढ़ रहे थे नियरेस्ट 100 वाले क्वेश्चन, जिसमें हमने पढ़ लिया है सब्ट्रैक्ट एंड मल्टीप्लाई, राइट। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्वेश्चन रहेगा डिवाइड के, यानी एक बाकी रह गया था डिवाइडेड ऑफ नियरेस्ट 100 वाले क्वेश्चन, तो उसे फाइनल करके आज हो सकता है तो इस टॉपिक को ख़त्म कर दिया जाएगा, राइट। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है डिवाइड, डिवाइड ऑफ नियरेस्ट 100 के क्वेश्चन, राइट। दूसरी बात, मैंने अब स्टार्ट किया है कि मैं जब भी कोई क्लास लूँगी तो उसमें एक पहेली जरूर पूछूंगी क्वेश्चन। क्लास शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन पूछूंगी, रात में आंसर, सॉरी लास्ट में आंसर बताऊंगी। क्वेश्चन है, वह कौन सी जगह है जहाँ मान लो 100 लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? 100 लोग, 100 लोग जा रहे हैं, ठीक है। आते वक्त 101 लोग आते हैं। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ मान लो 50 लोग ही जा रहे हैं, मान लो सपोज ये ज़्यादा नहीं 50 लोग ही जा रहे हैं, मगर आते वक्त 51 लोग आएंगे। अगर 300 लोग जा रहे हैं तो 301 लोग आएंगे। अगर 20 लोग जा रहे हैं तो आते वक्त एक लोग की संख्या बढ़ जाती है। बताओ वह कौन सी जगह है, बताओ वह कौन सी जगह है जहां लोग जाते हैं और एक संख्या बढ़कर आते हैं। सोच समझ के बताना, इस क्वेश्चन का आंसर मैं लास्ट में बताऊंगी, ठीक है। अब डिवाइडेड ऑफ नियरेस्ट 100 वाला क्वेश्चन देख लो। नियरेस्ट 100 का मतलब होता है 2 जीरो, है ना। 100 में कितने जीरो होते हैं? टोटल 2 जीरो होते हैं, राइट। चलो, जैसे कल मैंने करवा दिया था क्या? नहीं करवाया था, फिर भी देख लो। आगे देखो, 1 10 100, ये है 100, यानी कि या तो इसका आंसर होगा 500 या तो इसका आंसर होगा 600। ये 50 से ज़्यादा है इसलिए होगा 600। यहाँ क्या आंसर आया? 600। अब यहाँ देखो, 1 10 100, इसका आंसर या तो होगा 100 या तो होगा 200। ये नंबर 50 से ज़्यादा है तो 200, ठीक है। अब 200 का पहाड़ा पढ़ो कि 600 आ जाए, तो ये आएगा 3 बार में, है ना। करने का आसान तरीका, 2 जीरो काट दो, ये 2 जीरो से कट जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने बता रखा है, मुझे याद आ गया कि मैंने ये क्वेश्चन मैंने करवा रखा है। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, नियरेस्ट 100 वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, आज हम पढ़ेंगे नियरेस्ट 1000 की बात की जाए तो सम ऑफ नियरेस्ट 1000 वाले क्वेश्चन आज फाइनल करेंगे, ठीक है। क्या? नियरेस्ट 1000 वाले क्वेश्चन। अब देखो कैसे, अब देखो जैसे आपके सामने लिखा है 1245 प्लस 2835, ये लिखा हुआ है। अब इसका नियरेस्ट 1000 निकालना है, 1 10 100 1000, इसका आंसर होगा या तो 1000 या इसका आंसर होगा 2000, ठीक है। अब ये नंबर देखो, ये जो नंबर दिया है क्या ये 500 से ज़्यादा है? अगर 500 से ज़्यादा हुआ तो 2000 लेना, 500 से कम हुआ तो 1000 लेना, ठीक है। देखो ये 500 से ज़्यादा नहीं है। देखो नियरेस्ट 10 में क्या होता है, 5 देखते हैं, 5 से ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा वाला नंबर लेंगे, कम हुआ तो कम वाला नंबर। नियरेस्ट 100 में क्या लेते हैं? 50, 50 से ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा वाला नंबर, कम हुआ तो कम वाला नंबर, ठीक है। उसी प्रकार 1000 में लेंगे 500, इसके बाद वाला जो नंबर है वह 500 से ज़्यादा है तो ये ले लो,
कम है तो ये ले लो, ठीक है। तो ये कम है तो इसका आंसर होगा केवल 1000 प्लस, ये देखो 1 10 100 1000, इसका आंसर होगा या तो 2000 या तो होगा 3000। क्लियर है? ये नंबर देखो, क्या ये 50 से ज़्यादा है, क्या ये 50 से ज़्यादा है या कम है? आपको पता है ये 50 से ज़्यादा है, कम नहीं है, ध्यान से देखो, 50 से ज़्यादा है, 50 से कम नहीं है। जब 50 से ज़्यादा है तो हम ज़्यादा वाला लेंगे, यानी लेंगे 3000। 3000 में 1000 प्लस करो तो कितना हो गया, 4000। क्लियर है? ये रहा क्वेश्चन का आंसर, सम ऑफ द नियरेस्ट 1000 वाले क्वेश्चन। क्लियर है? आ जाओ आगे बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चन देखो भाई, 1000 वाली है, 1000 वाली बात है तो बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट? इस क्वेश्चन को देखो, 1 10 100 1000, राइट? या तो इसका आंसर होगा 6000 या तो इसका आंसर होगा 7000, ठीक है। अब ये नंबर देखो, अगर ये नंबर 500 से कम है, 500 से कम है तो 6000, और 500 से ज़्यादा है तो 7000। और आपको पता है ये लिखा है 235, जब ये 235 लिखा है तो ये 500 से कम है, ज़्यादा नहीं है। जब कम है तो कम वाला लेंगे, तो इसका आंसर आएगा 6000 प्लस, ये देखो 1 10 100 1000, इसका आंसर होगा या तो 7000 या तो 8000। आपको पता है 7000 लिख नहीं सकते, 7000 लिखेंगे तो 8000 नाराज हो जाएगा, 8000 लिखेंगे तो 7000 नाराज हो जाएगा। अगर दोनों लिख दिए तो ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, अब ये नंबर देखते हैं, क्या ये 500 से ज़्यादा है? हाँ जी ये ज़्यादा है, तो इसका आंसर होगा 8000। अब इन दोनों को प्लस कर दो, 6000 और 8000 प्लस को कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 14000। कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 14000। क्लियर है? तो ये रहा नियरेस्ट 1000 वाले क्वेश्चन। अभी और भी देखो, और भी क्वेश्चन है, चलो आगे बढ़ते हैं। थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड नाइन्टी फाइव प्लस 2182, ठीक है। 1 10 100 1000, या तो इसका 3000 आंसर होगा या तो इसका 4000। ये नंबर देखो, क्या ये 500 से ज़्यादा है? बिल्कुल है, तो इसका आंसर होगा 4000 प्लस 1 10 100 1000, कितना होगा, या तो इसका आंसर होगा 2000 और या तो इसका आंसर होगा 3000। और ये नंबर क्या है, 500 से कम है, इसलिए हाँ होगा 2000। प्लस कर लो 4000 में 2000 प्लस कर दो, कितना हो जाएंगे, 6000। क्लियर है? आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, है ना गाइस? चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और क्वेश्चन देखते हैं, राइट? अब देखो, ध्यान से देखना, लंबा क्वेश्चन है, 1000 वाले क्वेश्चन नहीं है, 10000 के, लेकिन हमें नियरेस्ट 1000 का ही निकालना है। 1 10 100 1000 1000 यहाँ पे है, इसका आंसर या तो 2000 या तो 3000। क्लियर है? या तो 2000 या तो 3000, ये नंबर 500 से कम है इसलिए 2000, इसका आंसर होगा 2000। लेकिन इसके पहले 7 भी लिखा हुआ है तो इसका होगा आंसर 72000। क्लियर है? प्लस 1 10 100 1000, या तो इसका आंसर होगा 8000 या तो होगा 9000। क्लियर है? ये 500 से ज़्यादा है तो 9000 होगा, 9000, लेकिन उसके पहले 3 भी है तो 3 भी लिखना है। अब इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है, 72 में 39 प्लस कर दो,
क्लियर है? तो ये रहा क्वेश्चन का आंसर, ये रहा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलो आगे देखो, और भी क्वेश्चन देखो। कैसे करोगे? 1, 10, 100, 1000, या तो 2000 या तो 3000। क्लियर है? ये 500 से ज़्यादा है बिल्कुल, तो 3000 होगा। लेकिन इसके आगे क्या है? यहाँ देखो, 1, 10, 100, 1000, 8000, या तो इसका आंसर 8000 या तो इसका आंसर 9000, ठीक है। ये ज़्यादा है 500 से। आगे क्या है? 1। क्लियर है? प्लस करो, कितना हुआ? 32। 32 क्लियर है गाइस? आई होप चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी, है ना? ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इसी तरह सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आप और भी देखो, अब थोड़ा सा लाख वाला क्वेश्चन देख लो। जैसे दिया है, प्लस करना है। कैसे करेंगे? 1, 10, 100, 1000, 1000 यहाँ पे है, तो या तो आंसर होगा 4000 या तो होगा 5000। ये अगर 500 से ज़्यादा हुआ तो ये लेना, कम हुआ तो ये, तो ये क्या है? 500 से कम है, यहाँ हो जाएगा 4 लिख के 3000। फिर ये आगे क्या है? 32। क्लियर है? प्लस 1, 10, 100, 1000, 10000, इसका आंसर होगा या तो 6000, सॉरी 1, 10, 1000 है ना, सॉरी, ये होगा या तो 3000 या तो होगा 4000। 500 से कम है नहीं, 500 से ज़्यादा है, तो हो जाएगा 4000। इसके आगे 46। अब इसे क्लियर कर लेते हैं। इसका आंसर होगा 7,88,000, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसी तरीके से होगा, नियरेस्ट आप 1000 वाले क्वेश्चन। अब मैं बताती हूँ आपको, जो सुबह अभी मैंने पहली पूछी थी क्लास के स्टार्टिंग में, वह कौन सी जगह है जहाँ 100 लोग जाते हैं मगर आते हैं 101 लोग, क्वेश्चन पूछा था मैंने। तो उसका आंसर है, ध्यान से देखना, उसका आंसर है बारात। क्योंकि बारात में अगर 100 लोग जाते हैं, है ना, तो दुल्हन को लेके आते हैं, तो इसी की वजह से वहाँ 101 लोग हो जाते हैं। अगर बारात में 50 लोग गए तो 51 लोग आएंगे, अगर 20 लोग गए तो 21 लोग आएंगे, अगर 300 लोग जाते हैं तो 301 लोग आते हैं, है ना। जब शादी करने जाता है वे परिवार, ठीक है, तो वहाँ से दुल्हन को लेके आते हैं, एक सदस्य की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। तो वो ये वही जगह है। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी, है ना। चलो, तो आई होप सब कुछ क्लियर होगा। गाइस, आप लोग का काम है, क्लास को लाइक ज़रूर कर दिया करो, क्लास अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर कर दिया करो, ठीक है, जैसी भी लगे। और क्लास को क्लास में अच्छा अच्छा कमेंट भी करो और साथ में शेयर करो, ताकि और भी सब्सक्राइब करवाओ लोगों से, है ना। न्यू चैनल है, फिर मैं इसके बाद लाइव क्लास भी लूँगी और डेली के डेली, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ़ यू।